नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकीरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है पीसी बिल्डिंग सीरीज की सेकंड वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है और इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे कि ये कैसे चलता है, और सबसे बड़ी बात हम ये जानेंगे कि इसे कैसे चूज किया जाए और अपने पीसी में लगाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको भी है इंटरेस्ट पीसी बिल्डिंग में, अगर आप बनाना चाहते हैं अपना पीसी, तो मदरबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये एक बेस की तरह काम करता है जिसके ऊपर सीपीयू, रैम और भी कई सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। तो ये एक बेस की तरह है जो कि सारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को जोड़ता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मदरबोर्ड होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले नींव खड़ी की जाती है। वैसे ही पीसी बनाने के लिए सबसे पहले मदरबोर्ड लाया जाता है और उसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड एक नींव की तरह काम करता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की तरह काम करता है, जिसके ऊपर एक सर्किट बनाया जाता है जिसमें सॉकेट, रैम स्लॉट्स, M.2 SSD स्लॉट और एक्सपेंशन स्लॉट्स और काफ़ी सारे पोर्ट्स को जोड़ा जाता है, और उनका एक सर्किट बनाया जाता है ताकि जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो सके और हमारा पीसी चल सके। तो आइए देखते हैं कि मदरबोर्ड को कैसे चूज़ किया जाए। मदरबोर्ड को चूज़ करने से पहले आइए जान लेते हैं कि मदरबोर्ड के कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। तो मेनली मार्केट में मदरबोर्ड के चार तरह के टाइप्स होती हैं। इनमें से फर्स्ट नंबर आता है एक्सटेंडेड ATX। एक्सटेंडेड ATX यानी कि EATX सबसे बड़ा मदरबोर्ड होता है और इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं एक हाई एंड गेमिंग PC, अगर आप बनाना चाहते हैं हाई एंड गेमिंग PC या एडिटिंग PC जिसके अंदर लगा हो राइजन 9 3900X या फिर i9 10th जनरेशन का प्रोसेसर और बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड और बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा रैम लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बना है मदरबोर्ड। EATX में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि M.2 स्लॉट्स, वो भी 3 से 4 स्लॉट्स दी जाती हैं, और एक्सपेंशन स्लॉट जिनमें ग्राफिक्स कार्ड लगाए जा सकते हैं, और जो सॉकेट होता है उसमें भी काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं, और उसके बाद जो पोर्ट्स होते हैं पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोर्ड होता है, इसमें काफ़ी स्पेस होती है, तो इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। इसके बाद नंबर आता है ATX का, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मदरबोर्ड है। इसमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जितनी रैम कैपेसिटी मिलती है, जितने एक्सपेंशन स्लॉट्स, M.2 स्लॉट्स, जितने भी पोर्ट्स मिलते हैं, वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लेवल का मिलता है, जो कि आम यूज़र के लिए बिल्कुल ठीक होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं एक बजट गेमिंग PC या कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए PC बनाना चाहते हैं जिसमें राइजन 5 या राइजन 7 या i7 या i5 CPU लगा हो, तो आपके लिए है ATX। तो इसके बाद नंबर आता है माइक्रो ATX का। अगर आप बनाना चाहते हैं बजट से बजट PC, तो आपके लिए है माइक्रो ATX, जिसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स बहुत कम दी जाती हैं, मिनिमम सी शायद एक ही दी जाती है एक्सपेंशन स्लॉट्स, और इसके बाद जो CPU है वो तो एक ही लगेगा, और उसके बाद जो होती है रैम स्लॉट्स वो भी बहुत कम होती हैं, और जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी कम दिए जाते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं बजट से बजट PC, अगर आपका बजट 30 या 40 हज़ार से कम है, तो आपके लिए है माइक्रो ATX, जो कि एक बढ़िया डिसेंट सा मदरबोर्ड होता है, और इसमें नॉर्मल सी जो एक यूज़र को ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो सब कुछ दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है मिनी ITX का। ये सबसे छोटा मदरबोर्ड है और ऑब्वियसली इसमें सबसे कम चीज़ें दी जाती हैं। ये आम यूज़र के लिए तो नहीं बना है, मेरे ख्याल से ये आम यूज़र के लिए तो नहीं बना है, क्योंकि इसमें बहुत कम एक्सपेंशन स्लॉट्स दी जाती हैं और पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल यूज़र के लिए भी ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। अगर आप बिल्कुल मिनी PC बनाना चाहते हैं, जो एक नाम का PC हो, अगर आप वैसा PC बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए है मिनी ITX। मेरे ख्याल से कोई ही यूज़र होगा जो ये मिनी ITX यूज़ करेगा। मैक्सिमम ATX यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा EATX यूज़ किया जाता है, क्योंकि डे बाई डे जो गेमर्स कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है, और गेमर्स ज़्यादातर EATX लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस अब चलते हैं मदरबोर्ड चूज़ करने की तरफ।
तो लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है बजट का। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी पीसी बिल्डिंग में सबसे बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि हर बंदे का बजट अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत अमीर होगा तो उसका बजट 1 से 1.5 लाख तक हो सकता है, कोई ठीक ठीक होगा तो उसका बजट 40, 50 या 60 हज़ार भी हो सकता है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो पीसी बिल्डिंग का बजट है उसमें से स्पेसिफिक अमाउंट मदरबोर्ड की होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मदरबोर्ड बिल्कुल ही आप बहुत कम बजट रखो मदरबोर्ड के लिए, और या तो फिर मदरबोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बजट रख लो। तो सेकंड नंबर आता है टाइप का। मदरबोर्ड की टाइप्स जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका है तो आपने बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी टाइप चूज कर चुके होंगे। तो अगर आपने एक टाइप चूज कर ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थर्ड नंबर आता है चिपसेट का। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो चिपसेट के ऊपर देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि चिपसेट को कैसे चूज़ किया जाए। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ वहाँ पर जाकर ज़रूर देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि चिपसेट कैसे चूज़ करना है, ताकि आपके पीसी की परफॉर्मेंस और बैलेंस्ड पीसी कैसे बनाना है आपको पता चल जाएगा। फोर्थ नंबर पर आता है एक्सपेंशन स्लॉट्स। अगर आप फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में एक्सपेंशन स्लॉट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको अपने मदरबोर्ड में देखना चाहिए कितने एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, 3 या 4 या 2 या 1 कितने हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने एक एक्सपेंशन स्लॉट्स पे तो वाईफाई कार्ड लगा दिया, दूसरे पे ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया, उसके बाद बची है एक, अगर आपको लगता है आप एक और ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं या कुछ और लगा सकते हैं, तो आपके लिए एक खाली होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं इस पॉइंट को। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीड्स के ऊपर, आपके बजट के ऊपर। तो फिफ्थ नंबर आता है RGB। अगर आपको रंगों के साथ खेलना अच्छा लगता है, अगर आपको RGB फैंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपके लिए है RGB। हर मदरबोर्ड RGB कंपेटेबल नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही मदरबोर्ड्स होते हैं जो EATX या फिर ATX फॉर्म फैक्टर के होते हैं, उनमें RGB कंपेटेबल होता है, और वो भी हर मदरबोर्ड नहीं होता। इसलिए आपको देखना है कि हमारा जो मदरबोर्ड चूज़ किया है उसमें RGB है या नहीं। ये जो RGB कंपेटेबिलिटी है वो जो ब्रांड बनाती है, जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि ये RGB कंपेटेबल है या। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके लिए हम ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे और आपका नेटवर्क खचवाते रहेंगे। धन्यवाद।